कम बैक टू यूट्यूब चैनल। हम आज आपके साथ बहुत ही सिंपल सी सोया चाप की रेसिपी शेयर करें। जैसा कि आप सब जानते ही हैं आजकल टमाटर कितने ज़्यादा महंगे हो गए, तो यहाँ पे हम दही से सोया चाप बनाने वाले हैं जो कि टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। सबसे पहले सोया चाप को हल्का हल्का शैलो फ्राई कर लेंगे, उसको बेसिक सा तड़का लगाएंगे। हींग और जीरे का मैंने यहाँ पर तड़का लगाया है, साथ में ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे और शैलो फ्राई 5-10 मिनट के लिए हो जाएंगे। बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। उसके बाद दही के अंदर मैंने जो है धनिया पाउडर है, रेड चिली पाउडर है, हल्दी है, अमचूर है, गर्म मसाले, सारी चीज़ें ऐड करके उसमें थोड़ा पानी डाल के मिक्स कर लिया है। फिर यहाँ देखो हमारी जो चाप है वो भी रेडी हो गई है। ऑयल के अंदर ही जीरा, रेड चिली, ग्रीन चिली, थोड़ी सी दालचीनी से मैंने तड़का लगाया है। उसके बाद दही वाला पेस्ट डाल के 5-10 मिनट के लिए बॉइल करेंगे। जब ये बॉईल हो जाएगा इसके अंदर हमारी जो शैलो फ्राई हुई कुरकुरी जो सोया चाप है वो डाल के 10 मिनट तक बॉईल देंगे। उसके बाद में इसके ऊपर से कसूरी मेथी, आप चाहे तो हरा धनिया से भी गार्निश कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें सोया चाप मसाला डाला है, आप चाहें तो गर्म मसाले से गार्निश कर सकते हैं।